Hi guys, so I'm Jia Shankar. Hello, this is Paras Arora, your Dr. Pramod. और और हम एक fun segment करने जा रहे हैं. Who knows who? Who knows? So who speaks in between the shots? Not me, Jia. Paras. See, actually, अगर नहीं, please, तुम सो जाते हो, ठीक है? किसके कमरे में बहुत बड़ा बेड है? तुम्हारे. अरे यार, तू इतना बीच में ब्रेक होगा तो सो गई ना, सेट पे तो नहीं सोता ना. देखा, ब्रेक होता है तो सो जाता है. हाँ, पर मैं सेट पे सो रहा मेकअप रूम में सोता हूँ, ये सेट पे सोती है. शॉट के बीच में कौन सोता है? कभी कभी मुझे बहुत नींद आ जाती है तो मैं सो जाती हूँ सेट पे. ओके, सो हु पुल्स मोस्ट ट्रैक्स ऑन द को-स्टार्स एंड द क्रू? पारस. बिचारी में, बहुत बिचारी हूँ मैं, सब लोग मुझ पे प्रैंक करते हैं. Okay, perfect. So, who munches mostly between the shots? Jia. Who what? Munches. Munches, yeah, हाँ, मुझे चाहिए होता है कुछ ना कुछ पूरा दिन होता है या फिर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होता है, चलते रहते हैं. Paras don't eat between the shots, right? नहीं, मैं फिर वो कॉन्शियस हो जाऊंगा ना, मेरे दांतों में कुछ पड़ गया तो. Okay. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं खा लूं. Okay, so who forget their lines the most? Should I answer that? मैं बोल दिया, मैं पारस, मतलब हार्डली ऐसे कभी भूलता होगा, बट वैसे पारस नहीं भूलता, मैं भूलती हूँ. बट यार, इन लोगों की लाइंस बहुत डिफिकल्ट भी होती हैं. आई मीन, मेरा सुशीला कैरेक्टर ऐसा बहुत फास्ट बोलना पड़ता है, तो मैं मोस्टली लैंग्वेज है यार, तो इनके साथ ही होता है ऐसा, मैं नहीं भूलता. Okay, so who is it that comes late on the set? Jia, बोल. चुप रहो, मैं लेट नहीं आती यार, ये कितने सारे इंटरव्यूज में हो गया है अब. मैं लेट नहीं आती. But I come on time. I come on time. Please, तुम तो रहने ही दो. अभी ये बोलो. तुम आइदर जल्दी आते हो या तुम लेट आते हो, तुम ऑन टाइम नहीं आते. Sorry guys, ये आज तक का मेरा हमेशा का रिकॉर्ड है, मैं हमेशा ऑन टाइम होता हूँ, मेरी वजह से कभी कुछ नहीं रुका, और मेरी आदत है टाइम से पहले रेडी रहने की. इनफैक्ट इसके लिए भी मैं वेट कर रहा था, आई वाज रेडी वेटिंग फॉर यू गाइस टू जॉइन. नेटवर्क इशू हो गया, हर चीज में ऑन टाइम. टाइम वेस्ट तो तुमने किया ना, लेकिन तुम्हारे वजह से का चीजें अटकी ना बस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ओके, सो व्हाट फ्रेज या वर्ड डज जिया यूजेस द मोस्ट? जिया मोस्टली ऐसे ही बोलती है, क्या यार मैं बहुत थक गई हूँ, क्या यार इतना थक गई हूँ, क्या यार कब खत्म होगा ये. कब खत्म होगा नहीं बोलती है, ठीक है. और ये थक गई हूँ, थक गई हूँ, तुमने ये अभी सुना होगा जब मैं घर पे होती हूँ. नहीं 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 नहीं, सेट की बात कर रहा हूं मैं. नहीं बोल रही हूं, सेट पे नहीं बोलती हूं मैं, थक गई मैं, थक गई. अगर ऐसे कोई सीक्वेंस हुआ तो हां, तो मैं थक गई हूं, थक जाऊंगा. मोस्टली होता है ऐसा कि तुम लोग इसी होते ही है ना यार, तो चेक करो ना क्या बोलती हूं, मेहनत करते हो ना इसे. हां, ओके, सो जिया, व्हाट वर्ड पारस यूज़ करते हो? क्या यार, सेम. क्या है यार, हाँ तुम क्या है करते रहते हो, ऊपर से ये भी बोलता है. क्या क्या करते हो तुम, कुछ तो करते हो यार, शिट मुझे पता था, मैं भूल गई. क्या करते हो, क्या करते हो बता. मैं कुछ नहीं करता. करते हो तुम, कुछ तो करते हो. कुछ नहीं यार, कुछ तो करते हो तुम, भूल गए मैं. मैं बहुत कुछ करता हूँ वैसे, ये तो फोन पे से हमेशा उसका एक टिपिकल है, जब फोन करती हूँ तो ऐसे ही हेलो बोलता है. हेलो, हाँ जी, क्या हाल है. हेलो, हाँ जी, क्या हाल है. ऐसी बात करता है, ये उसका है पेटर्न.
Okay. So what's the best thing about Jia? हाँ, ये अच्छा सवाल. Go ahead. कितना सोचना पड़ रहा है तुम्हें? मैंने सुना ही नहीं, मुझे लगा मेरा नेटवर्क गया अगेन. हाँ, क्या क्या है क्वेश्चन? What's the best thing about Jia? What's the worst thing about Jia? Best thing about Jia. So best thing about her, to like she's very passionate about her work or. परफॉर्मेंस वाइज बहुत बहुत सोचती है, बहुत अच्छे से सीन्स करती है. हम दोनों की टाइमिंग बहुत अच्छी है एंड ऑफ स्क्रीन हम लोगों की जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड हर एक से इतना यू नो कनेक्शन नहीं होता है आपका, बट मुझे जिया के साथ ज़्यादा टाइम नहीं लगा था वो आइस ब्रेक होने में. बाकी सबके साथ मुझे बहुत टाइम गया और यूजली मुझे टाइम लगता है लोगों से, यू नो इनिशियली मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का होता हूँ तो मुझे खुलने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार खुल गया फिर मैं बहुत फन है ना जिया. ओके, सो यू से व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट पेरिस? है या कुछ बहुत सारी चीजें तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या बोलना है. हाँ यार वो तो है. So best thing about Paris is that one, he is my best friend. मतलब इतने कम टाइम में I can actually call him my best friend. मेरे लाइफ में बहुत कम दोस्त है and if there's someone I wouldn't want to lose in my life, it's him. And I've always said that to him. So मैं नहीं चाहती कि बंदर कभी मेरी लाइफ से जाए. He's always there for me and he is very caring and understanding in general. Uska wo hai na ki na hi sirf mere liye. And of course as an actor wo to sabhi ko pata hai, he is very passionate about his work and I think ye cheez hum dono mein bahut common bhi hai. Otherwise bahut sari cheeze hamari bahut opposite hai, but ye cheez bahut common hai ki हम दोनों ही अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट है. अगर कुछ सही नहीं होता है तो वो चीज हमें बहुत बॉदर करती है. एंड वर्क इज समथिंग जो हमें बहुत बॉदर करती है. हम दोनों ही बहुत ओवरथिंक करते हैं. तो ये भी एक है. तो हाँ, मेरी सबसे ज्यादा पारस से ही जमती है. इन अ वे इफ आई हैव सेड दैट ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, वहीं पे सब कुछ. ओके, सो लकी पारो. I know. Thank you. Okay, so what's the most annoying thing about Jia? Yeah, sab question pehle mujhse ki pooch rahe ho. About what? About Jia. Bolo, pehle tum. Pehle aap, pehle aap. Annoying cheeze hain, of course, bahut sari hai. Ek to iske haath pair bahut chalte hain. Matlab ye ek jagah tik nahi sakte. है ना कुछ चाहिए रहता है, बहुत फिजिटी है, मतलब जबरदस्ती परेशान करेगी, ऐसे पोक करेगी कई बार. और अगर एक बार मैंने ऐसे कर दिया ना तो उसके बदले मुझे चार बार ऐसे खाना पड़ता है, तब जाके हिसाब बराबर होता है. तो बहुत हाथ पैर चलते हैं इसके, वो बहुत अनोइंग है. और क्या है, मोस्टली ये एक जगह मतलब खड़ी नहीं रहती ज्यादा देर, ऐसे लगती रहती है, उधर उधर टिकती रहती है. ये एक चीज है. Wow, okay. That's true. Okay. About Paris, as I always say, पूरा का पूरा ही annoying है. इसकी कोई एक चीज irritating नहीं है, पूरा irritating है. हमेशा irritate करता रहता है मुझे. Nice. तो but I don't know, ऐसे कोई एक चीज बोल नहीं सकती. मैं actually बहुत irritate करती हूँ, so that's true. But ये नहीं करता मुझे, ये बहुत छिड़ जाता है जल्दी, तो बस अटक गया. देखो ये अनोइंग चीज है इसकी. सो हु इज पारस फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? पहले आप पूछा जिया से. गुड. रणवीर कपूर. रणवीर कपूर. हां एक्चुअली रणवीर कपूर. यस. बताया नहीं, कोई भी नहीं हुआ.
she's waiting for me to, you know, become a Bollywood star so she can say that he's the one. Okay. कोई भी नहीं है मेरा, मतलब ऐसा कोई फेवरेट ऐसा कोई नहीं. आई मीन मुझे ऋषि कपूर बहुत पसंद थे. ही वॉज एक्चुअली माई फेवरेट. तो मेरा वो ड्रीम भी था उनके साथ कभी काम करने का. उसके बाद मुझे ऐसा कभी लगा नहीं. Okay, so any message for the fans or viewers of Patilal and Sons? So I would like to say that thank you so much ki hamare sare fans hame itna support kar rahe hain, na hi sirf Patilal and Sons ke liye but for hashtag Sumod. ये इनफैक्ट हमें मतलब एक सीन होता है उसके पता नहीं कितने सारे एडिट्स बन जाते हैं. हम एक छोटा सा सीन करते हैं और हमें पता होता है, जब हम सीन कर रहे होते हैं हमें पता होता है देखना इसके कितने सारे एडिट्स बनेंगे. क्योंकि उतना प्यार एक्चुअली हमें लोगों ने दिया है एंड वी आर सो सो ग्रेटफुल फॉर दैट. टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना ज्यादा रिस्पॉन्स कभी किसी चीज के लिए नहीं मिला जितना हम दोनों की जोड़ी के लिए मिलता है. एंड इट्स अ फैक्ट एवरीबॉडी लव्स सुमोद एंड विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एक्चुअली. मुझे लगा नहीं था इतना ज्यादा होगा जबकि हमारे सीन्स बहुत कम होते हैं. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आई रियली वॉन्ट टू डू अनदर शो विद हिम जहाँ पे सिर्फ हम दोनों हो. आई मीन इनफैक्ट पीपल वुड लव दैट. मुझे पता है पीपल वुड लव टू सी अस टुगेदर लाइक दैट. तो या दैट्स इट बट फॉर नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट थैंक यू सो सो मच कि हमें इतना सारा प्यार दिया है नॉट जस्ट टू द शो बट टू अस एंड थैंक यू सो मच. सो या इनिशियली ऑफ कोर्स मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था. इनफैक्ट मैं बहुत कॉन्शियस था जब स्टार्ट किया था मैंने शो. आई वाज नॉट श्योर I don't know because Pramod बहुत simple सब बंदा है. सबके शो में entertaining होना चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए. I was very conscious जब हम लोग anti-venti shoot कर रहे थे. But जो response उसके बाद लोगों से मिला है, I mean that was amazing. और अभी भी जो hashtag Pramod वाली बात है, लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं. और हमारे छोटे से scene के हम छोटी सी reel भी डाल दें तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं. और हम कोशिश करते हैं कि उनको एंटरटेन करते रहे. सो आई वुड से कि जितना भी थैंक यू कहें वो कम है. बट जस्ट कीप वाचिंग काटेलाल एंड सन्स, कीप लविंग अस और हैशटैग सुमोद को ऐसे ही प्यार करते रहिए.